C24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के प्रतापगढ़ में आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ जमकर गरजे। वहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए थोड़ी नरमी दिखाते हुए महागठबंधन को महामिलावट बताते हुए उससे देश को होने वाले पांच खतरे गिनाए, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, जातिवाद, वंशवाद और कुशासन। इस दौरान भारी संख्या में जनता उन्हें सुनने पहुंची। प्रतापगढ़ से डॉक्टर जीवन दुबे की रिपोर्ट। जी को कभी माफ नहीं करता, लेकिन इन लोगों ने भाइयों बहनों ये नाम ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है। कभी मुझे डर लगता है ये सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार ना आ जाए, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं और इसे आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूं। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। मुझे गिरा था, मेरी छाई भी खराब करके ये लोग देश में अस्थिर सरकार, मजबूर सरकार बनाना चाहते। अरे महामिलावट करने वालों, जिस चौकीदार के प्रचार के लिए दल नहीं देश की जनता चल पड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर निकली हुई है। जिस चौकीदार के साथ उत्तर प्रदेश की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद हो, जिस चौकीदार के लिए युवाओं ने ठान लिया हो कि एक भी वोट बेकार नहीं जाने देंगे, उसे गिराने के हराने के सपने देखना छोड़ दीजिए। साथियों, मेरे खिलाफ हो रही इन साजिशों के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी के लोगों को मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के अपने संकल्प पर अड़ी रहना है। भाई और बहनों, मजबूरी और अवसरवाद की इस महामिलावट का पंजा बहुत खतरनाक है। जब जब ये महामिलावटी पंजा सत्ता में आता है, देश को उसका नुकसान ऐसा भयंकर उठाना पड़ता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। महामिलावट के इस पंजे के पांच भयानक खतरे हैं। पहला खतरा भ्रष्टाचार, दूसरा खतरा अस्थिरता,
तीसरा खतरा जातिवाद, चौथा खतरा गोशाला, पांचवा खतरा कुशासन। साथियों, जहां ये महाविद्यालय होंगे, जैसे कहते हैं धुआं है तो कहीं न कहीं आग होगी, उसी प्रकार से जहां जहां भ्रष्टाचार होगा, मान लेना ये महामिलावटी लोग होंगे, और जहां जहां महामिलावटी होंगे वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। भाइयों बहनों, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पहले से डर लग रहा है, जगह कम पड़ गई है, आप जहां है वहीं रहिए। भैया हर चीज में, भाई बहनों, ये महामिलावटी लोग हर चीज में लूट का रास्ता निकालते हैं, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कुछ भी नहीं छोड़ते। याद करिए, कांग्रेस के नामदार किसानों की जमीन को ट्रस्ट के नाम पर कब्जा करते हैं और फिर उसको हड़प लेते हैं, किसानों से जमीन लेते हैं फैक्ट्री के नाम पर, उस पर अपने लिए नोटों की खेती करते हैं। यहाँ अमेठी में तो यही हो रहा था ना। साथियों, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि नामदार के बिजनेस पार्टनर को व्यापार में उसके सहयोगी को कैसे रक्षा सौदों में शामिल किया गया था, नामदार के साथी पर रक्षा सौदों के दौरान मेहरबानी उस समय दिखाई गई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार भी अपनी, दोस्त भी अपना, और रक्षा सौदा भी बड़ा, यानी नामदार की मलाई का पूरा इंतजाम था। मीडिया में आई रिपोर्ट बहुत से सवाल खड़े कर रही है, और इन लोगों ने कैसे देश को लूटा है इसका खुलासा कर रही है, और एक ही रटा रटाया वाक्य बोला जाता है, जांच कर लो, जांच कर लो, जांच कर लो। मैं देशवासियों को बताता हूं, इनके लिए जितने मुद्दे जांच के दायरे में हैं, 20-20, 40-40 नोटिस सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने दिए हैं, एक बार भी हाजिर नहीं होते हैं, न उनके वकील आते हैं, न जवाब देते हैं, टालते रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तब तक इसको खींचे रहो, रफा दफा कर दो एक भी जांच को। ये परिवार एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में कोई सहयोग नहीं करता है, अदालतों को हुक्म करना पड़ता है, ऐसे ये लोग सरकार को, कानून को, संविधान को न मानने वाले लोग, और मीडिया में बैठ करके कह देते जांच के लिए तैयार है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। भाई और बहनों, इसी तरह याद करिए, बसपा के राज में न एम्बुलेंस सुरक्षित थी और न ही ताजमहल। मालूम है ना, ताजमहल के सौदे होते थे, अरे ठीक थे यार, वही सपा के राज में तो बाकी बड़ा बड़ा छोड़िए, बालू हो, बजरी हो, अरे घर की टाटी हो, कुछ नहीं छोड़ा।